क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो गाइज, प्रीव्यू में आपने जो सैड स्टेटस वीडियो देखा, अगर आप भी इस तरीके का सैड स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लेना, तभी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इस तरीके का लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को हर रोज मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस मिलेगा, HD इमेजेस मिलेगा, फॉन्ट्स वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे सेकंड चैनल पे वीडियो नहीं देखा है, जल्दी से देख लेना और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं लेके आता रहूँगा, ठीक है। और ब्लॉग जाके ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एलाइट मोशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है और डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, सिंपल से डाउनलोड करके एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद एलाइट मोशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे आना है, जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट में आपको एफर्ट का लेयर देखने को भी मिल जाएगा। तो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो ग्रुप देख रहे हो आप, यहाँ पे कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप देख दो, यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करके डबल बिट मार्क पे आ जाना है, यानी कि 4.14 सेकंड पे आ जाना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। अभी आपको यहाँ पे इमेज को ऐड करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है। एरो पे क्लिक करके नेक्स्ट बिट मार्क पे आना है। यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इमेज को ड्रैग करके सभी सीसी के नीचे लेके आना है, ठीक है। फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से इमेज ऐड करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है। नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट रिमूव करना है और इमेज को इस तरीके से पूरा सीसी के नीचे लेके आना है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे इमेज को ऐड करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है। नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है। इमेज को ड्रैग करके इस तरीके से पूरा सीसी के नीचे लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। और अगर आपको ये सब इमेजेस चाहिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, इमेज का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करोगे ना, आप सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। रिडायरेक्ट पे हो जाने के बाद आप ये सब इमेजेस इजीली आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेजेस वगैरह को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है गाइस। और लास्ट में आपको यहाँ पे 15.14 सेकंड पे कोई भी इमेज ऐड करने का जरूरत नहीं, एक लेयर होगा, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पूरा एंडिंग पॉइंट पे आना है, आपको यहाँ पे एक इफेक्ट का लेयर देखने को मिलेगा। इफेक्ट का लेयर पे क्लिक करना है, नीचे जो इफेक्ट है उस पर क्लिक करना है। नीचे आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट करना है। इस इफेक्ट वाले लेयर को आपको ऊपर डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिलीट पे क्लिक कर देना है, डिलीट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, जितना भी इमेज आपने ऐड किया ना, सभी इमेजेस पे जो इफेक्ट उसको पेस्ट करना है। इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे ना, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरीके से जितना भी इमेज आपने ऐड किया ना, सभी इमेजेस पे आपको ये जो इफेक्ट है इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, जितना भी यहाँ पे आपको इमेज है, सभी इमेजेस पे ये इफेक्ट आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को आप अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करोगे। ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है और वीडियो को आपको हाई रेजोल्यूशन करके नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है, आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। और गाइस प्लीज़ सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको बहुत हेल्पफुल कॉन्टेंट देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। हेल्पफुल कॉन्टेंट देखने को मिलेगा और ब्लॉग वगैरह आपको सब कुछ चैनल पर देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा कब मैं क्या वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस चैनल पे आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जरूर आएगा, जिसे देख के आपको मज़ा भी आएगा और आपको हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।